प्रिय दर्शकों, जिन लोगों की धनु राशि है उनको बहुत ध्यान से सुनने की आवश्यकता है, क्योंकि धनु राशि के लिए ये सन 2023 बहुत अच्छा है। यानी कि ग्रह वाहन आदि का सुख आपको प्राप्त होने वाला है। वाहन खरीदने की सोच रहे थे और नहीं खरीद पा रहे थे, तो इस वर्ष आपकी ये इच्छा पूरी होने वाली है, क्योंकि बृहस्पति आपके अनुकूल हैं। और बृहस्पति जब अनुकूल होते हैं तो अंदरूनी ज्ञान, गूढ़ ज्ञान, तत्व को जानने का ज्ञान दिया करते हैं बृहस्पति। और बृहस्पति जब अनुकूल होते हैं तो कार्य क्षेत्र में भी सफलता मिलती है, और जो मनोरथ हमारे होते हैं वो मनोरथ पूर्ण भी किया करते हैं। तो धनु राशि वालों को इस वर्ष जो उपाय करना है वो उपाय मैं बता देता हूं। आपको पुखराज पहनने की आवश्यकता है। अगर आप 7.25 रत्ती का पुखराज लेकर के पहन सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, एक बात और है, पुखराज थोड़ा कोस्टली स्टोन है, महंगा स्टोन है। अगर आप ये नहीं पहन पाते हो, क्योंकि गोल्ड में बनेगा और महंगा आता है, अगर ये उपाय आप नहीं कर पा रहे हो तो बहुत सरल उपाय आपको करना है। गुरु पुष्य योग, यानी बृहस्पतिवार के दिन पुष्य नक्षत्र जब आता है, साल में 3 या 4 ये योग हुआ करते हैं। अपने आसपास में किसी विद्वान पंडित जी से आप पूछ लें कि गुरु पुष्य योग कब पड़ेगा। तो गुरु पुष्य योग में आपको क्या करना है, एक केले की जड़ निकालनी है और उस थोड़ी सी जड़ को किसी ताबीज में डाल करके अपने दाहिने हाथ की बाजू में आप बांध लें। जो काम पुखराज में करना है, 60-70 हजार रुपए जो पुखराज में आप खर्च करने वाले हो, वो ये छोटा सा उपाय आपको वही लाभ देगा जो पुखराज से लाभ मिलने वाला है, क्योंकि बृहस्पति आपके अनुकूल हो जाएंगे और बृहस्पति अनुकूल हो गए तो आपको माला माल कर देंगे। आप जिस व्यक्ति से बात करने जाओगे, जहां पे भी आप किसी कार्य क्षेत्र के लिए बात करने जाओगे, तो आपकी वाणी में ओज होगा, आपकी वाणी में वो शक्ति होगी कि सामने वाले के ऊपर पूरा पूरा प्रभाव पड़ेगा। अगर केवल 80% चांस है काम बनने के, तो 100% आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। तो ये छोटा सा उपाय आपके लिए एक वरदान साबित हो जाएगा और पूरा पूरा लाभ आपको प्राप्त करना है। जय श्री राम।